कैसे हैं आप सभी। मैनेजमेंट कल्चर के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं बिजनेस रिसर्च मेथडोलॉजी से। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि बिजनेस रिसर्च क्या होता है, उसके क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देख ले, ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से बिल्डअप हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस रिसर्च मेथडोलॉजी से। तो रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होता है? इट इज़ अ वे ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस ऑफ अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट और अ टॉपिक विच इज इसेंशियल फॉर द प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी और अ ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होता है? एक वे होता है जिसके थ्रू ना हम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं ऑन ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट और टॉपिक। ओके, इन दिस रिगार्डिंग वी फॉलो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मेथोडोलॉजी, क्वान्टिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो इसके नाम के बेसिस पे ही ना हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्वान्टिटेटिव रिसर्च मेथड में क्या होता है और क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड में क्या होता है। क्वान्टिटेटिव रिसर्च मेथड में होता है, इसमें हम क्या करते हैं ना कि जो स्टैटिकल डेटा होता है उसके थ्रू ना हम रिसर्च ऑर्गेनाइज करते हैं और ना जो इंफॉर्मेशन होता है उसे गैदर करने की कोशिश करते हैं। जो भी डेटा आता है उसके बेसिस पे ना हम मार्केट को इवेल्युएट करते हैं कि किस तरह का मार्केट है, मार्केट में भी क्या चल रहा है, कैसा कंपटीशन है, डिमांड एंड सप्लाई का क्या कंट्रीब्यूशन है, उस क्या उसका रोल अभी डिमांड एंड सप्लाई का चल रहा है मार्केट में, और जो एग्जिस्टिंग कंपटीटर है मार्केट में वो कैसे वर्क कर रहे हैं और कौन सा टेक्निक हम यूज करेंगे जिससे हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। तो क्या करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड में, हम क्या करते हैं ये जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक है, डिफरेंट जो वे है उसको हम ना फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट हमारा हो गया सर्वे रिसर्च। तो सर्वे रिसर्च में क्या होता है ना कि हम एक पार्टिकुलर जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर ना हम बहुत सारे क्वेश्चनेयर बनाते हैं और उन्हें जो हमारे ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस है, उनके बीच हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसके थ्रू ना हम वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं। जो भी हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो भी हमने क्वेश्चन अपने तैयार किए थे, जो भी हमारे क्वेश्चनर में क्वेश्चन थे उसके रिगार्डिंग हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं और उसके बेसिस पे हम एक डेटा तैयार करते हैं कि क्या क्या चीज़ हमें उसमें इनरोल करना होगा अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए। देन हमारा होता है कोरिलेशन रिसर्च। तो कोरिलेशन रिसर्च क्या होता है ना कि ये एक स्टैटिकल रिसर्च होता है। इसमें हम क्या करते हैं, डेटा के बेसिस पे दो एंटिटीज का डेटा लेते हैं और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं इसको ना इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं कि अगर एक एंटिटी अगर इफेक्टेड हो रही है तो दूसरे के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सपोज दैट कि हम ना मैन पावर कम कर दे रहे हैं तो हमारा जो इनपुट कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना हम प्रोडक्ट रेगुलर में वन डे में बना पा रहे हैं। अगर हम मशीनरी को मैक्सिमाइज करते हैं और जो हमारा मैन पावर है उसको मिनिमाइज करते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। देन हो जाता है कैजुअल कॉम्पिटिटिव रिसर्च। कैजुअल कॉम्पिटिटिव रिसर्च में क्या होता है ना, ये भी एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को शो करता है कि एक चीज अगर उस पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारा अदर जो प्रोडक्ट है या अदर जो एंटिटी है वो कैसे इम्पैक्ट हो रही है। देन हम बात करें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होती है ना कि हम एक जो हमारा टारगेट ऑडियंस है उसके बीच में हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है एक्सपेरिमेंट, तो कुछ हम ऐसा वर्क कर रहे हैं ना जिसके थ्रू हमें कुछ इंफॉर्मेशन गैदर हो रहा है जो हमारे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है। फॉर एग्जाम्पल कुछ जो प्रोडक्ट होता है, जो बिगनिंग में हम कुछ प्रोडक्ट को मार्केट में लाते हैं और उसको ना जैसे सुपर मार्केट में कुछ प्रोडक्ट को डालते हैं और वहाँ से ना हम जो हमारे ऑडियंस है उसका ना हम रिव्यू जानते हैं और उनका ना कि क्या उनका ना ट्रेट हो रहा है, उनका बिहेवियरल ट्रेट क्या शो कर रहा है। देन हमारा होता है लिटरेचर रिसर्च। लिटरेचर रिसर्च में क्या होता है कि जो भी पहले से एग्जिस्टिंग डेटा है, सपोज दैट कि जैसे हमने अपने प्रीवियस जो वीडियो था उसमें बात की हुई थी कि एक ना कार कंपनी है वो मार्केट में कार को ला रही है, तो
तो वो कौन कौन सा मेथड को फॉलो कर रही है अपने प्रोडक्ट को ना अपने प्रोडक्ट का जो मार्केट वैल्यू है बढ़ाने के लिए, तो उस कंपनी ने क्या की होगी कि बहुत सारे रिसर्च की होगी, तो वो रिसर्च जो मार्केट में अवेलेबल होता है उसके बेसिस पे जो दूसरी अगर कंपनी आ रही है वो अपने प्रोडक्ट को लाना चाह रही है, तो जो एग्जिस्टिंग पहले से जो डेटा वगैरह अवेलेबल है उसके बेसिस पे जब कोई चीज़ कोई रिसर्च करती है, वहाँ से कोई डेटा उठाती है, तो वो लिटरेचर रिसर्च हो जाता है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो हमने बात की थी, सर्वे सर्वे हो गया, कोरिलेशन हो गया, कैजुअल हो गया, एक्सपेरिमेंटल हो गया, एंड लिटरेचर रिसर्च हो गया। देन अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या हो जाता है, जो हमारा कन्वर्सेशनल मीन्स के थ्रू, जो हम कम्युनिकेशन के थ्रू जो हम डेटा गैदर करते हैं, वो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च में हो गया। ये इसके नाम से, क्वालिटेटिव रिसर्च के नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब डेटा के रिस्पेक्ट में हमने जो कन्वर्सेशनल मीन्स है या कम्युनिकेशन का है उसके थ्रू ना हम रिसोर्स जो हमारे इंफॉर्मेशन है उससे हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ को लेते हैं, इंटरव्यू हो जाता है, फोकस ग्रुप हो जाता है, देन हो जाता है हमारा इथनोग्राफिक रिसर्च, केस स्टडी हो जाता है, एंड वेबसाइट विजिटर प्रोफाइलिंग होता है। तो अब हम फर्स्ट हम बात कर रहे हैं कि इंटरव्यू इंटरव्यू वाले में क्या होता है। तो इंटरव्यू जस्ट लाइक क्या होता है ना कि ये एक जो हम सर्वे सर्वे में जो चीज़ हम करते हैं सेम एज इंटरव्यू में भी करते हैं। इंटरव्यू पे जस्ट लाइक सर्वे ही होता है जिसमें हम कुछ क्वेश्चन तैयार करते हैं और अपने टारगेट और कुछ ऑडियंस को लेते हैं और उनके थ्रू ना इंटरव्यू कंडक्ट करवा के हम उनके ना व्यू को जाने की कोशिश करते हैं। देन हमारा सेकेंड हो जाता है फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप में क्या होता है, कुछ एंटिटीज को लेते हैं, कुछ पार्टिकुलर्स को लेते हैं जो हमारा फोकस ग्रुप होता है, और उसके थ्रू ना हम एक तरह का क्या करते हैं, मीटिंग के कंडक्ट करवाते हैं और उसके थ्रू वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि जो भी सपोज दैट कि मार्केट वॉल्यूम क्या हो सकता है। ये एक तरह का फोकस ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि यहाँ पे हम ना कुछ पार्टिकुलर कुछ इंडिविजुअल को लेते हैं और उसके थ्रू वहाँ से ना इंफॉर्मेशन गैदर की करने की कोशिश करते हैं। और इथनोग्राफिक रिसर्च क्या होता है, ये थोड़ा ना लेंदी प्रोसेस हो जाता है और इसको बहुत ही रेयरली यूज किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्ट कंज्यूमिंग होता है, इसीलिए इसको बहुत रेयरली यूज करते हैं, लेकिन ये बहुत ही ना प्रिसाइज रिजल्ट प्रोवाइड करता है क्योंकि ये क्लाइमेट ज्योग्राफी इस सब के बेसिस पे ये रिसर्च कंडक्ट कराया जाता है। देन अब हम बात कर रहे हैं केस स्टडी रिसर्च। केस स्टडी रिसर्च में क्या होती है ना कि जो कोई कंपनी है वो ना पहले कोई कंपनी सपोज दैट कोई कंपनी ए है, ओके, और ये ना अपना दी मार्केट में पहले से ही ना अपना प्रोडक्ट लाकर रखी हुई है, और कोई कंपनी बी है वो ना अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाह रही है। तो वो क्या करेगी ना कि ए ने जो टेक्निक या जो मेथड के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च की थी और उसका क्या रिजल्ट रहा था उस सब के बेसिस पे वो उसने केस जो उस और क्या उसने केस स्टडी बनाई, तो उसको वो ना स्टडी करेगी जो पहले से एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या ना फीडबैक रहा था, उसने क्या इंफॉर्मेशन गैदर की थी, कैसे की हुई थी, तो वो ना केस स्टडी रिसर्च हो जाता है क्योंकि जो प्रेजेंट में कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रीवियस या पास्ट ऑर्गेनाइजेशन जो भी पहले के ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है या फिर अपने कंपटीटर किसी का भी ना जो डेटा होता है उसका ना केस स्टडी। केस स्टडी मीन्स किसी भी पहले के केस को स्टडी करके हम उसके थ्रू ना इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और देन उसको इवेल्युएट करके अपने अपना जो प्रोडक्ट होता है उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। देन हो जाता है हमारा वेबसाइट विजिटर प्रोफाइलिंग। ये ना अभी के टाइम में काफ़ी ट्रेंडिंग रिसर्च टेक्निक है। इसमें क्या होता है ना कि जो हमारा वेबसाइट है उस पर कितने विजिटर्स आ रहे हैं और वो ना हमारे हमारा जो वेबसाइट मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है उसके बारे में क्या रिव्यू कर रहा है। जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं सपोज दैट फ्लिपकार्ट से अमेजोन से, तो वहाँ पे रहता है ना कि आप फीडबैक प्रोवाइड करें, आप रिव्यू दें, कमेंट करें कि किस तरह का आपका
एक्सपीरियंस रहा है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे क्या होता है, वो भी एक तरह का सर्वे हम वहाँ पे ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं और अपने वेबसाइट विजिटर्स के थ्रू ना उनके व्यू को जानने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा ना वेबसाइट विजिटर प्रोफाइलिंग होता है और ये काफ़ी ही ना अभी ट्रेंडिंग है और काफ़ी यूजफुल भी है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि हमें ज़्यादा इनपुट कॉस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ये बहुत ही ना चीप एंड बेस्ट होता है। तो ये हमारा ना क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड का ना टाइप हो गया कि क्या क्या हम क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड को में यूज करते हैं और कैसे वो हमारे ना रिसर्च के लिए यूजफुल होता है और कैसे हमें ना बेटर आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो अपने हम नेक्स्ट वीडियो में ना इसके आगे और चीज जो बिजनेस रिसर्च से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइज आप इसी तरह के वीडियो को एंजॉय करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।